ये हेलो मंच पे जो बोल रहे हैं सर बंसीलाल जी, हर एक केंद्रबिंदु होता है और हमें ये लगता है कि हमारे और स्कूल के बीच का जो केंद्रबिंदु है ये बंसीलाल जी हैं, जो हर एक दिन बाद पत्रकारों को एक नया संदेश के देने का काम करते हैं। आपका बहुत आभार। परम आदरणीय कप्तान मीनू बेनीवाल जी और उनके साथ आए हुए सभी जिनको मैं जानता हूँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों, कप्तान साहब आप जिस प्रांगण में बैठे हैं हम अक्सर यहाँ आया करते हैं। ऐसी लगभग एक दर्जन संस्थाएं हैं इस क्षेत्र में और गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या ये है कि 12वीं के बाद अधिकतर छात्र छात्राएं हैं अंतिम छोर के अंतिम हरियाणा में हम बैठे हैं और हमारी आपसे, हम पत्रकार हैं तो सारे लोगों की, सारे बच्चों की, सारे पेरेंट्स की उम्मीद रहती आपसे कि आप इस क्षेत्र में एक बड़ा संस्थान हमें लाकर दें। अगर वो चोपटा हो जाए तो चोपटा भी केंद्र बिंदु है, या इसके नजदीक लगते कोई ऑन रोड कोई गांव है वहां अगर आप बना कर दे दें तो ये जो यहाँ आने वाली जो पीढ़ी है उसको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि इधर जमाल में प्राइवेट कॉलेज है, डिंग मंडी में गवर्नमेंट ने कॉलेज किया है, भट्टू में कॉलेज है। अगर हमारे बच्चे यहाँ से सिरसा भट्टू जमाल अगर जाना चाहते हैं तो वो जा नहीं पाते, 10 बजे तक वो यहाँ चोपटा में घूमते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है, पूरे हमसे जो लोग मिलते हैं उनकी तरफ से, बाकी इन्होंने कहा कि कुछ अलग मत बोलना, वो काम हम अपनी कलम से कर देंगे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो तो फिर हमारा काम भी है, लेकिन हमारी समाज की तरफ से और बाकी अब काफी बदलाव आया इस क्षेत्र में कि लोग नशे को छोड़कर कहीं न कहीं खेलों की तरफ से जिस तरह से सरकार की मुहिम चली, गांव में ओलंपिक करवाए गए, उनमें बहुत युवा साथियों ने और गांव के लोगों ने भाग लिया, तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, आप भी शायद मेरी बात पे अमल करेंगे।